हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 4.6 इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये जो टॉपिक मैं अभी शुरू कर रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप पहले एक बार सोचिए कि व्हाट इज द मोटो ऑफ अवर दिस यूनिट। हमें ये यूनिट से हमारा जो मिशन है ना वो है स्टीरियो फॉर्मूला, यानी स्पेस में वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं उस तरफ की हमारी ये ट्रैवलिंग है। तो पहले हमने मोलेक्युलर फॉर्मूला, बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और उसके बाद में जो स्पेस में, क्योंकि यही सच्चा है, क्योंकि सच्चाई क्या है इसमें कि जो भी है वो शेप स्पेस में ओरिजिनली कैसे है, हम पेज पे दौड़ते हैं या बोर्ड पे दौड़ते हैं, ये टू डायमेंशन फिगर है। एक्चुअली वो थ्री डायमेंशनली कैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर तभी हमें उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चल पाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, हम उसको इस तरह से ही ले जाएंगे। पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको उसका एक शॉर्टकट भी दूंगा, लेकिन मैंने आपको बोला है क्योंकि मैंने अभी कई बार ऐसा भी पढ़ा है और मैंने अपनी लाइफ में फील भी किया है, कोई भी शॉर्टकट होता ही नहीं है, लॉन्ग कट ही होते हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके उसको इस मोड पे ले आना चाहते हैं ताकि वो शॉर्टकट दिख सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने एक आगे देखा था वैलेंस बॉन्ड थियरी में, उसका नाम था लिनस पॉलिंग। ठीक है, सो इन 1931 दिस लिनस पॉलिंग प्रपोज्ड दैट द डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल ऑफ द सेम एटम कंबाइंड और मिक्स विथ ईच अदर, रिजल्टिंग इन मोर स्टेबल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हम ये जो टॉपिक है, ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं उसको हम एक और तरह से भी समझना चाहते हैं। देखिए, किस तरह से हम समझना चाहते हैं वो भी आप देखिए। ठीक है, मैं आपको इस तरह से भी समझा भी सकता हूं। तो कि जो ये टॉपिक हम अभी देख रहे हैं लिनस पॉलिंग का, ये देखिए, हम उसने क्या बोला कि कोई एक ऑर्बिटल है और कोई एक एटम है, जैसे मैं कार्बन का एटम आपको समझा रहा हूं, उसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। डिफरेंट यानी कोई एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, राइट, वो वैलेंस सेल की होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी तरह से, जैसे एस है वो पी के साथ, या एस दो पी, या एस तीन पी, या एस तीन पी और उसके बाद में आने वाली डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो वो इस तरह से अब एक के साथ मिक्स होके वो मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स की तरफ चले जा रहे हैं। तो जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, और ये जो ऑर्बिटल्स है हम उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरह से ये हो रहा है मैथमेटिकली। देखिए, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने वेव फंक्शन, यानी आपको मालूम है ना वो साइन, श्रोडिंगर में साइन इक्वेशंस आता है, तो वो वेव फंक्शन है। इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम आर कंबाइंड टू गिव सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट वेव फंक्शन कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। वो मैथमेटिक क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और तीन पी ऑर्बिटल है। अब देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि चारों ऑर्बिटल है, क्योंकि एस का शेप अलग है, पी का भी शेप अलग है, ये तीनों का शेप एक समान है, एक ही है ना, यानी इट्स अ डम्बेल शेप। फिर वो चारों जुड़ के एक नया शेप, वो यूनिफॉर्म शेप बनाएंगे, और सभी की एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, सेम, क्योंकि हमें मालूम है कि एस की एनर्जी लो है, पी की उसकी ज्यादा है, लेकिन जैसे वो जुड़ पाएंगे तो वो जो sp3 हाइब्रिडाइज होके वो कितनी कितनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, तो कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, चार, तो यानी वो चार ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से भी समझाया हुआ है कि मैथमेटिकली द वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम आर कंबाइंड टू गिव सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट वेव फंक्शन कॉल्स एन हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज अ सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है,
एकदम सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस यूज फॉर द मॉडिफाइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज. फॉर डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग ज्योमेट्रीज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग ज्योमेट्री विद द लोवेस्ट नेट पोटेंशियल एनर्जी. ये क्यों करना चाहते हैं वो भी हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक है, ये करने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन मोटो है, जो उसका एम है, उसका जो गोल है, वो पोटेंशियल एनर्जी लो करना है. क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कि आउफबाउस रूल जो सिस्टम है वो जैसे अपनी एनर्जी लो करती है यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो इस तरह से हमें यह सोचना पड़ेगा. सो हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स इन अ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल एनर्जीज. अभी जो पहले वो अलग अलग एनर्जीज की थी, लेकिन एक साथ जुड़ने के बाद उसकी एनर्जीज कैसी हो गई है, सिंपल एक ही तरह की हो गई है. एंड आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द बेसिक ऑर्बिटल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट देम. और उसकी जो ऑर्बिटल्स है, जैसे एस की लो है, पी की क्या है, ज्यादा है, तो वो इस तरह से कंबाइन करके इन दोनों के बीच की एक एक एनर्जी लेवल वो सेट कर देंगे. एंड दिस हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप मोर इफेक्टिवली विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर एटम इन द मॉलिक्यूल. पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या था कि कोई एक एटम आ रहा है और उसकी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में दूसरा जो एटम आ रहा है उसकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिक्स हो पा रही है. ये जो लिनस पोलिंग क्या बता रहे हैं कि नहीं, पहले जो गेस्ट एटम्स आने के पहले जो होस्ट एटम है वो अपनी ऑर्बिटल को इस तरह से मिक्स करते हैं कि ताकि सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक हो जाए, उसका शेप भी एक हो जाए, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होने की वजह से अब गेस्ट के जो एटम्स आएंगे उसके घर पे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. सो दिस हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप मोर इफेक्टिवली विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर एटम इन द मॉलिक्यूल, थस प्रोवाइडिंग एन ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच एज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. इसका बॉन्ड की जो, क्योंकि बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और एनर्जी में क्या है, लो हो गए हैं. सो द अदर इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर नॉट यूज इन कंस्ट्रक्टिंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन अनएफेक्टेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जिस ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है तो वो उसके शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा, उसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो पाएगा, और वो अनअफेक्टेड रहेगी. ठीक है, मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं कि जितना ओवरलैप दो ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या हो पा रहा है, अच्छी तरह से ओवरलैप करने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई है, यानी बॉन्ड स्ट्रांग यहां पे दिखाई दे रहा है. तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप कोई मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि जैसे मैं मीथेन पढ़ रहा हूं, तो मीथेन में मेरा होस्ट कौन है, फर्स्ट वन यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोवेस्ट है वो हमारा होस्ट एटम है. तो उसका हमें कुछ उसका कुछ हमें देखना पड़ेगा. जैसे मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं 6 नंबर कार्बन है, राइट. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6 नंबर कार्बन, इज हीलियम 2s2 2p2, यानी दो और दो और दो, 6 हो गए. अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह से हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो हम कर सकते हैं ना, जैसे आपने होन्स रूल पढ़ा हुआ है तो इस तरह से हो पाएगा. यानी इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो ही है. तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन फॉर्म, तो हमें मालूम है दो ही बॉन्ड बना पाएंगे. ठीक है, तो कहीं बच्चे को इस तरह से होता है कि सर जी CH2 ही पॉसिबल होगा, इसमें CH4 पॉसिबिलिटी कुछ भी है नहीं. ये वैलेंस बॉन्ड थियरी जब हाइटलर लंडन ने दी थी 1927 में, तब उसने ये टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ था, लेकिन हमें मालूम है सभी को कि CH2 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके ऑपोजिट CH4 पॉसिबल हो पा रहा है. तो वो लिनस पॉलिंग किस तरह से समझा रहे हैं, देखिए लिनस पॉलिंग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें जो पैड इलेक्ट्रॉन 2s के है वो बाहर से एनर्जी लेके वो अनपैड होने की प्रोसेस पहले करेंगे. जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना तो उसको तो यार जैसे हम तो लाइवली अभी मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं बच्चे आपके, कहीं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप में अच्छी तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उसका सेटिस्फैक्टरी अपनी तरह से जवाब भी मैं दे पा रहा हूं.
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होगा, सर जी ऐसा करने की जरूरत क्या है? एक तो आप यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से आप एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी, यानी ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होने की वजह से इफ द कंपाउंड इज हैविंग अ हायर एनर्जी तो उसकी अनस्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, ये भी है उसका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, अच्छे स्टूडेंट्स इस तरह से सोच भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं आपको इसका भी आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, देखिए CH2 होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में चल के यहाँ पे ऐसा हो गया है। अभी अभी कहीं कई छात्र ऐसा बोलेंगे जैसे चार चार गेस्ट है उसके घर में डाल दो। देखिए आप गेस्ट होते हैं, ठीक है, मैं आपको चार लोग हैं, आप मेरे घर पे यहाँ पे आना चाहते हैं तो चार, क्योंकि ये जो मेरा एक मेरे पास एक 2S का रूम है और 2P के 3 रूम है, और मैं आपको बोलूंगा कि आप इसी में से कोई भी रूम आप चुन लो, तो आप कहाँ पे जाने चाहेंगे? देखिए सोचिए कहां पे जाना चाहेंगे। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 2S वाले रूम में जाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि 2S वाला जो रूम है ना बहुत बढ़िया रूम है, क्योंकि वो S है ना वो स्फीयर शेप में है, यानी न्यूक्लियस से सभी डिस्टेंस से उसको न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको मिल पा रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है। दूसरा वो एस ऑर्बिटल है, उसका जो वेक्टर हम देखेंगे तो वो स्केलर है, आपको मालूम है, यानी किसी भी जगह से मुझे न्यूक्लियस दिखाई दे पा रहा है और इसकी एनर्जी भी लो है, तो मैं इसमें ही जाना चाहूंगा ना। तो चार लोग हैं तो चार लोग तो एक रूम में आ ही नहीं सकते, तो बाकी के तीन को तो इस तरह से जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, अभी पहले मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि मेरे घर में चार गेस्ट आने वाले है और चारों गेस्ट में ये प्रॉब्लम होने वाला है कि ये 2S वाला रूम बढ़िया है, क्योंकि ये सी फेस रूम है, हम बारी खोलेंगे या विंडो खोलेंगे तो मुझे वहां से एकदम अच्छी तरह से वो समुद्र दिखाई पे रहा है, तो अच्छा बढ़िया रूम है, लेकिन पी वाला रूम इतना बढ़िया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका रिनोवेशन कर दूंगा। ये चारों जो रूम है ना उसको कुछ इस तरह से मैं एडजस्ट करूंगा कि चारों एक साथ जुड़ जाए। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसका रूम था, 2S का रूम था, ये किसका रूम था, 2PX का, ये किसका रूम था, 2PY का, ये किसका, एक और मैं बता रहा हूँ 3D में, ये 2PZ का है। अभी ये सभी मैं मिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे सभी मैं क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो मुझे एक जैसे जो मुझे ऑर्बिटल मिलेगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। ये एक ही मैंने अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बताया, देखिए आपको इसमें पी का शेप ही नहीं दिखा, ये है ना यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, यानी मुझे ये जो पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, लेकिन मुझे दिखाना पड़ता है इसलिए मैं दिखा पा रहा हूं, बाकी तो कहीं जगह यही दिखा रहे हैं, इतना ही दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये है इसमें एस का भी शेप है और पी का भी शेप है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि ये तो अभी मैंने एक ही हाइब्रिड बताया, इस तरह से कितना हाइब्रिड हो पाएगा, चार, क्योंकि इसमें तो चार ऑर्बिटल से उसका मिक्सिंग हो रहा है, तो चार वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाएंगे, तो वो चारे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मुझे रखना है स्पेस में, तो मैं किस तरह से रख पाऊंगा, मुझे मालूम है, सबको मालूम है ना चार लोग को रखना है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या बता रही है कि सर जी ज्योमेट्री तो इस तरह से कुछ हमें बता रही है कि इस तरह से हमें रखना चाहिए। ठीक है, देखिए किस तरह से मैंने रखा हुआ है, 109 डिग्री 28 मिनट इज द बेस्ट ज्योमेट्री, वहां पे दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बीच में कम से कम रिपल्सन हो पाएगा और इस तरह से वो रह पाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, तो कि ये sp3 की है, sp3 क्यों नाम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि एक s और 3p का कॉम्बिनेशन करके मैंने sp3 रखा हुआ है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो चारों sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, आपको समझ में आ गया। फिर मैं यहां से क्या ले आऊंगा, अभी गेस्ट को मैं यहां पे इनवाइट करूंगा, गेस्ट यानी हाइड्रोजन है, वो अपने 1s लेके आएंगे। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये चारों इसने कॉम्बिनेशंस कर लिया है, उसने sp3 हाइब्रिडाइज कर लिया है, बाद में मैं यहां पे हाइड्रोजन 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 लगा के मेरा जो मॉलिक्यूल्स है वो मीथेन दिखा सकता हूं, और ये मीथेन है मुझे मालूम है 109-28 डिग्री पे है, और उसका जो शेप है वो मुझे टेट्राहेड्रल मिल रहा है, और सभी जो बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने क्या बात की थी आपको पहले,
कि दोनों की जो न्यूक्लियस है उसमें से आप एक हाइपोथेटिकल लाइन सोच सकते हैं, और जो आपका जो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है वो हाइपोथेटिकल लाइन पे होने की वजह से ये बॉन्ड को क्या बोला जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड तो हमें मालूम ही है कि वो स्ट्रांग ही होते हैं, ठीक है। तो यानी CH4 बन पा रहा है। फिर भी एक क्वेश्चन तो मुझे स्टूडेंट पूछ ही रहे हैं, सर जी ऐसा क्यों हुआ, हम तो हमारा जो हाइट है ये तो यही कह रहा है, हो ये रहा है, इसलिए हमने मेंटली इस तरह से कुछ सेटिंग किया हुआ है। देखिए अभी मैं अपनी तरह से आपको एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना चाहता हूं, किस तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो भी आप देखिए। जैसे मैं यहां पे CH2 की बात कर रहा हूं वर्सिस्ट में CH4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ग्राउंड स्टेट में ही होने की वजह से जो कार्बन है उसने एक्साइटेड स्टेट में नहीं गए हैं, नहीं गए ना, ठीक है। यहां पे एक्साइटेड स्टेट में उसको जाना पड़ा है। सपोज के जस्ट इमेजिन करें कि 10 किलो कैलोरी, मैं आपको जस्ट रफली डेटा दिखा रहा हूं, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, ठीक है। अब 10 किलो कैलोरीज है उसने बाहर एनवायरमेंट में से यानी नेचर में से उसने गेन की हुई है, सराउंडिंग में से उसने ली हुई है, राइट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अनस्टेबल हो पा रहा है। फिर ये जो बॉन्ड बना रहे हैं CH2, हमें मालूम है बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है। एक्सोथर्मिक यानी वो एनर्जी रिलीज कर देगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे पर बॉन्ड है जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई 10 किलो कैलोरी एनर्जी है वो रिलीज कर पा रहा है, यानी उसने कितनी एनर्जी रिलीज कर दी, 20 किलो कैलोरी उसने रिलीज कर दी है। किसने, CH2 बनने के बावजूद वो उसने कुछ गेन तो नहीं किया हुआ था, बाहर से लिया नहीं है, फिर भी उसने -20 उसने रिलीज कर दी है, यानी ये अच्छी तरह से स्टेबल होने की तरफ दौड़ रहा है। तो यही होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ 10 किलो कैलोरी इसलिए ली है क्योंकि वो फ्यूचर में CH4 बनेगा। ये CH4 भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि पर बॉन्ड 10 किलो कैलोरी है, यानी वो 40 किलो कैलोरी लूज कर देगा, फिर भी उसने 10 तो लिया हुआ था, लोन ली थी ना उसने, तो भी -30 किलो कैलोरी है। देखिए आप, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन आर इंक्रीज, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आर इंक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, राइट, बॉन्ड स्ट्रांग हो पा रहा है, यानी वो CH4 में जाना चाहेंगे नहीं कि CH2 में, क्योंकि इसमें बेनिफिट ज्यादा है, आउटबाउ रूल इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो पा रहा है। आपको मालूम है मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ठीक है, आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए अभी हम हमारी जो प्रोसेस थी उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पे मैंने दिखाया हुआ है सम साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पे समझा रहा हूं। द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। जितनी भी हाइब्रिडाइज हो रही है उतनी ही संख्या में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मुझे मिलेगी। जैसे मैं 1s और 2p यानी तीन ही ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूं तो मुझे तीन ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेगी। सपोज कि मैंने 1s और 1p को ही मिक्स किया हुआ है तो मुझे दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेगी, ठीक है। सो द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी, वो एनर्जी में एक ही होगी। पहले क्या था, s की एनर्जी लो थी, p की ज्यादा थी, लेकिन जैसे sp बन गया तो सभी की एनर्जी s और p के बीच की एनर्जी आ गई है, लेकिन दोनों में सेम ही आ गई है और शेप भी सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स आर मिक्स टू फॉर्म अ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड ईच sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैज अ 25% ऑफ s कैरेक्टर एंड 75% ऑफ p कैरेक्टर। क्योंकि हमें मालूम है कि चार ऑर्बिटल्स मिक्स होने की वजह से टोटल 100% में से एस का कंट्रीब्यूशन कितना है। देखिए मैंने यहां आपको दिखाया था, ये जो आप ऑर्बिटल्स देख रहे हैं मैं फिर से आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये मुझे मालूम है कि ये क्या है, sp3 है, लेकिन इसमें एस का कितना परसेंटेज इसका कंट्रीब्यूशन है, 25%। सभी में एस का कितना परसेंटेज है, 25 है। इसमें भी कितना है, 25 है। इसमें भी कितना है, 25 है, ठीक है। और पी का कितना है, पी का तो 75% पी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे दिखा रहा है,
आपको मालूम पड़ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ। पी का जो परसेंटेज है उसमें से, यानी ये जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया, उसका शेप हर एक का शेप कितना कैसा है, एक ही है। देखिए एनर्जी भी क्या है, सेम ही है, हर एक की एनर्जी सेम ही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एस इन दिस पोर्शन इज 25 एंड पी का 75% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हम यह दो या तीन लेक्चर्स तक हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उसकी तरह से हमें बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो भी ये हाइब्रिडाइजेशन के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फाइन। सो फॉर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल पॉसिबल्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स द परसेंटेज ऑफ एस पी एंड डी कैरेक्टर्स आर गिवन इन द टेबल नंबर 4.9। अभी हम टेबल भी देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा, इस तरह से भी दिखा पा रहा हूं, जैसे मेरे पास एक sp2 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, sp2 का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक s है और दो p ऑर्बिटल्स का मिक्सचर हुआ है। ठीक है, और टोटली वो जैसे इसका, इसमें s का परसेंटेज क्या होगा, 33.33% होगा ना, तो इसमें कितना, इसका क्या होगा, 66.66% होगा। जिसका sp है यानी एक s और एक p का ही कॉम्बिनेशन हुआ है, तो यानी परसेंटेज ऑफ s इज 50 एंड परसेंटेज ऑफ p इज ऑल्सो 50% होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें s परसेंटेज भी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे पास sp3d है, राइट? तो sp3d का मतलब है ये है कि एक s है, 3p है और एक d का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स है, तो इसमें s का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 20% होगा। इसमें इसका कितना है, 60% है और इसका 20% है। ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, sp3d2 है, तो sp3d2 में भी टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें s का परसेंटेज भी होगा, 3p है और 2d है। ठीक है, तो यानी एक s का परसेंटेज कितना होगा वो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपको टेबल में दिखाना चाहूंगा। The atomic orbitals involved in hybridizations can be empty, half-filled or completely filled. ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम hybridizations में इन्वॉल्व करेंगे वो पूरी तरह से empty भी हो सकती है, half filled भी हो सकती है और completely filled भी हो सकती है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड में क्या समझाया था कि दोनों हाफ फिल्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी होगी यानी एरिया है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाफ फील्ड तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कम्प्लीटली फील्ड क्यों कर रही है? देखिए मैं आपको अभी एक स्टेप बाय स्टेप उसका भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव टू लोब्स। जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होती है उसके दो लोब होते हैं। जैसे ये वाला आप देखिए, ये लार्जर लोब है और एक क्या है, स्मॉलर लोब है। सो लार्जर लॉब्स आर मोर इफेक्टिव एंड ओवरलैपिंग विथ अदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड्स, व्हाइल द स्मॉलर लॉब्स आर जनरली नॉट सॉन सिंस दे आर क्लोज टू न्यूक्लियस एंड डू नॉट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी है ना वो यहां पर ही मुझे मिलेगी, इसलिए मैंने यहां पर प्लस लिया हुआ है और यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, माइनस लिया हुआ है। लेकिन आप जब भी देखेंगे तो बुक में इतना ही शेप देंगे, लेकिन ये जो आप देख, कहीं कहीं बच्चे सर ये तो पी ऑर्बिट नहीं, ये पी ऑर्बिटल्स नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई है। पी तो अच्छा डम्बेल हो गया ना, दोनों का सेम ही सिमेट्रिक डम्बेल ही हो पाएगा। ठीक है, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन सर्टेन डिरेक्शन इन स्पेस which will have a stable arrangement and this type of hybridizations give the geometry of the molecule. अभी जो hybridizations हो पा रहा है वही shape बनाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे चार मेरे पास hybrid orbital है, आपको space में रखना है, तो आप 90 degree पे रखेंगे या 109 degree 28 minute में रखेंगे? तो कि सर जी 109 डिग्री 28 मिनट में ही रखेंगे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जितना बॉन्ड एंगल अच्छा मिल रहा है यानी उसके बीच में रिपल्सन कम हो पाने की वजह से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है? मैं ऐसा ही बोल रहा हूं, इसलिए जैसे मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन है, तो मैं कैसे रखूंगा? तो क्या सर जी तीन लोगों को स्पेस में रखने के लिए 360 डिवाइडेड बाय 3, सो 120 इज द बेस्ट बॉन्ड एंगल, क्योंकि 120 में बहुत बढ़िया उसको पोटेंशियल एनर्जी लो हो पाएगी, क्योंकि कम से कम रिपल्सन 120 पे हो रहा है।
रिपल्सन तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये देखना है कि कम से कम कहाँ पे हो रहा है। इस तरह से मैं देखूंगा तो मेरे पास दो ऑर्बिटल्स है तो मुझे रखना है, तो दो ऑर्बिटल्स को रखने के लिए तो मुझे 180 इज द बेस्ट एंगल। आपको समझ में आ रहा है? पांच ऑर्बिटल्स मेरे पास है, समझिए पांच ऑर्बिटल्स है मेरे पास, मैं क्या करूंगा सोचिए। पांच ऑर्बिटल्स का हमने पढ़ लिया है, पांच ऑर्बिटल्स में से तीन ऑर्बिटल्स है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशंस में 120 से रह पाएंगे, बाकी के दो 90-90 पे एक्सियल पोजीशंस में रहेंगे। ठीक है, मेरे पास छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो छह को रखने के लिए चार है वो एक प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। वो सब कुछ हमने बैलेंस, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, उसका जो एक परसेप्शन एंगल ही बदल दिया है ये लिनस पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाकर। फाइन, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स। जो भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे हैं, पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ ऑन हाइब्रिडाइज। जो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था वही पाई बना पाएंगे, यानी पाई है वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनी हुई। यानी जो भी हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं, मैं तो इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड्स ऑन सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स दैट पाई बॉन्ड डस नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी पाई की वजह से कोई शेप में कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर यूजुअली इन्वॉल्व्स ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ द अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज इज नॉट इन्वॉल्व इन आइसोलेटेड एटम्स। जैसे कोई एक ही एटम्स होता है, जैसे मेरे पास H2 है तो उसमें हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा, जैसे मेरे पास Cl2 है तो उसमें हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड एटम्स में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ओनली इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विथ अदर एटम्स। यानी वहां पे होमो एटॉमिक में कुछ भी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हेट्रो एटम्स होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मेरे पास H2 में नहीं होगा, ठीक है, Cl2 में नहीं होगा, Br2 में नहीं होगा, N2 में नहीं होगा, P4 में भी नहीं होगा, एसेट में भी नहीं होगा, लेकिन पानी है होगा, मीथेन है यस, अमोनिया है यस, इसमें हो सकता है क्योंकि यहां पे जो एटम्स है वो अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन आइसोलेटेड एटम्स, ओनली इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम्स। फिर यहां पे एक की पॉइंट्स भी दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज। मैंने अभी आपको बोला था ना कि मैंने आपको यहां पे परसेंटेज दिखाया था, सो इसका मतलब यह हुआ कि द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इज बिकम्स बल्कियर एंड शॉर्टर। जैसे एस का कैरेक्टर, क्योंकि एस क्या है, स्फीयर है और न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और बल्की हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो परसेंटेज ऑफ पी और डी आप बढ़ा देंगे तो उसके मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो लॉन्गर और थीनर बनेगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, थीन हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी, ये भी अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिक्रीज। एज द परसेंटेज ऑफ पी और डी कैरेक्टर इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज, क्योंकि एस नजदीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ एस बढ़ने की वजह से क्या होगा तो कि एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। पी का परसेंटेज या डी का परसेंटेज, क्योंकि पी और डी है वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर डिस्टेंस पे है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे टेबल यहाँ पे दिया हुआ है वो भी आप देखिए। देखिए आप, मैं जो टेबल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं वो टेबल है परसेंटेज ऑफ एसपीडी कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरियस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मैंने यहाँ पे एसपी, मैंने आपको अभी बोला दो ही लोग पार्टिसिपेट है तो एस का कंट्रीब्यूशन 50 और 50, इसमें डी तो है ही नहीं। sp2 है तो 33.33 66.66666 होने, sp3 में 25 75, sp3d यानी पांच लोग है, यानी इसमें एक का कंट्रीब्यूशन 20 है, सेम वे डी का भी 20 और रिमेनिंग पी 60 है।
यानी sp3d जो हम जैसे हम इसको बताएंगे फ्यूचर में, तो p और d का कंट्रीब्यूशन टोटल 80% है, यानी ये थोड़ा लॉन्गर और थीनर मुझे दिखाना पड़ेगा। sp3d2 है तो इसमें s, क्योंकि टोटल 6 लोग है, तो 6 लोग होने की वजह से आपको 100 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो 16.5 आ जाएगा नियर अबाउट। ये भी 33% नियर अबाउट, क्योंकि इसमें 2d है और इसमें 50% है, क्योंकि 3 का परसेंटेज इस तरह से दिखाई गया है। sp3d3 भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि however it should be remembered that hybridization is not a physical phenomena, it is merely a mathematical operation है, that combines the atomic orbitals in such a way that new orbital possesses the geometrical properties and they are reasonably consistent with the observation in a wide range of molecules। ये आपको कैसा है कि जैसे मैं मिल्क होता है उसमें शुगर डालता हूं और उसको मिक्स कर देता हूं, ऐसा कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये ऐसे कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि जैसे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ sp(d) हाइब्रिडाइज, जैसे sp(d) का हाइब्रिडाइज में कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है, sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। So in identifying hybridization orbitals, we specify which kind of pure atomic orbitals as well as the number of each that are mixed to form the hybrids. ठीक है, thus hybrid orbitals labeled sp3 are formed by blending 1s orbital with the 3p orbitals. So the total number of hybrid orbitals in a cell is equal to the number of basic atomic orbitals used to form them. Therefore, a shape of sp3 orbitals consists of 4 orbitals. तो आज हम यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।